सीरियसली ऐसा केस हो गया एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला. एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, लेट्स कीप दैट एज द थीम ऑफ दिस एपिसोड. सो यहाँ पे हमारा सफर खत्म होता है और हम यहाँ से जा रहे हैं मैंडले. बस पूरी खाली है और हम सोएंगे सीटों पे. पूरी बस खाली है, सिर्फ 6 जन है पूरी बस में और ये रास्ते में से भी किसी को कहीं नहीं उठाएंगे. वाइल गोइंग फ्रॉम कया टू मैंडले आर टूरिस्ट बस वॉज इन्वेस्टिगेटेड मिडवे ड्यूरिंग मिडनाइट. रेगुलर प्रोसीजर आई गेस. हम लोग फाइनली मैंडले पहुंच चुके हैं एंड अंकी को हमने पीछे छोड़ दिया है. शी हैज गॉन बैक टू यांगोन टू कैच अ फ्लाइट बैक टू हर होम एंड मी एंड प्रकृति आर हियर इन मैंडले टू एक्सप्लोर मोर ऑफ म्यांमार दैट इज लेफ्ट. आज सुबह हमने चेक इन करा हॉस्टल में. हम 4 बजे पहुँच गए थे और 4 बजे हमें उनके दरवाजे पे धावा बोल दिया कि हम आ गए हैं. बुक नहीं करी हुई थी, जस्ट वॉक इन करा. बेड वेड कुछ नहीं मिला, हम बस चिल एरिया में सो गए वहीं पर. फटाफट सुबह होते ही हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आ गए. मुझे नहीं पता तो क्या बात कर गया. मैं बोल रही थी मैंडले आ गए, अंकी को हमने पीछे छोड़ दिया एंड वी हैड अ ग्रेट ब्रेकफास्ट. सामने हमारे लैंड क्रूजर है. ये एक्चुअली खाने में डूबी हुई है. एक्चुअली इसने बहुत सस्ते में नाश्ता कर लिया है तो ये बहुत खुश है. ये यंग अंकल है, देखो देखो देखो. ये डॉन अंकल है. डॉन अंकल देखो वहाँ पे. By this time, we were out of Rumi's currency and spent the first day knowing the city and getting some cash exchanged. This was one of our feel at home moments. In Mandalay, I have tried at 2 places to exchange my 2000 rupee notes to charge. बट यहाँ पे 2000 रुपी नोट्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 500 तक के नोट्स एक्सेप्ट होते हैं. सो इफ़ यू कम मेक श्योर टू गेट 500 रुपी नोट्स इफ यू वांट टू गेट देम एक्सचेंज्ड. बहुत मेहनत मशक्कत के बाद, 1 किलोमीटर वॉक करने के बाद फाइनली 2000 रुपये का नोट एक्सचेंज हो गया है और वो भी कहाँ हुआ, एक फैमिली के घर में जो ये सब काम करते हैं बट उनका जो बॉस है वो इंडियन थे. Yes. Okay. Your father came here, then you were born here. No, my father came here in 1915. 1915? Yes, I born here. And then I passed my high school from Allahabad University. I am from Allahabad, I was born in Allahabad. What a small world! पहले हमको उर्दू सीखना पड़ा पंजाब में. अच्छा. नहीं तो स्कूल में नहीं देता. अच्छा अच्छा. 6 क्लास. हाँ हाँ. फिर हम उर्दू में खीरे किया. अच्छा अच्छा. खीरे किया बोलने से बर्मीज बात है ना. समझ गया मैं. लेकिन मैं आई गेट द एग्जामिनेशन. ओह एंड योर फैमिली इज स्टेइंग हियर. आई केम हियर देन. आई केम बिकॉज़ माय फादर वाज आई वाज एल्डर सन. ओके. ओनली टन 2 सन. वन सन डॉक्टर बना, अमेरिका गया. वो ही डाइड. ही डाइड. यस इन द एज ऑफ 49. ओह एंड हाउ ओल्ड आर यू? I am now in 88. 88? You don't look like 88. Huh? You look quite young. Oh, yeah. Because I am doing daily 1 hour exercise. Huh? Yeah. Do you go to India now? Huh? Do you go to India now? No, I don't. No? I have got a house. Yeah. My sister-in-law is living there. Where? Delhi. Delhi only. Now we have the capacity to not just window shop but eventually shop. Magicians are the lagri filan. Barging into local markets has been our favorite since day one because that's where the real essence of a place resides. Next morning, we started our day by climbing for the Mandalay Hill. के 5 बजे हम लोग निकले अपने हॉस्टल से सनराइज़ देखने के और स्टेयर्स चढ़ते 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 हम पता नहीं कहाँ भटक गए. हमें जो एग्जैक्ट सनराइज़ पॉइंट है वहाँ नहीं पहुँचे बट हम कहीं तो पहुँचे हैं और यहाँ से भी बहुत सुंदर व्यू है. We have now started with our ancient city tour.
This place is considered as world's largest book. ये सारी जो साइट्स हैं वो एंशियंट सिटी का पार्ट है. जब यहाँ पे किंग्स का रूल होता था तो यहाँ पे एंशियंट सिटीज़ थी तीन, तो अलग अलग सिटीज़ के अलग अलग किंग्स थे. तो अलग अलग किंग्स से तो उन्होंने बहुत सारे पगोड़ा बनवाए. किंग की जब डेथ हो जाती थी तो उनके मरने पे भी पगोड़ा बनाए जाते थे एंड उनकी बॉडी रखी जाती थी, लेकिन अब सारी बॉडीज शिफ्ट कर दी गई हैं. यहाँ पे 1774 स्लैब्स पे बुद्धा की टीचिंग्स इंस्क्राइब करी गई हैं. बिफोर ब्रिटिश केम टू मैंडले, बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो गोल्ड लीफ से इंस्क्राइब करी गई थी. उसके बाद जब ब्रिटिश इन्वेजन हुआ तो उन्होंने सारा स्लैब्स वो लोग अपने साथ ले गए. तो रिस्टोरेशन वर्क में वापस गोल्ड लीफ तो नहीं लगा सके, लेकिन द रिस्टोरेशन वर्क गॉट कैरिड ऑन विद द ब्लैक इंक. साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आप जितना मर्जी घूम लो, द पकोड़ाज विल नेवर सीज टू एंड. इट इज अ टीक वुड सेंचुरी. इट वॉज अ पार्ट ऑफ द रॉयल पैलेस ऑफ अमरपुरा. इन द वर्ल्ड वॉर टू द होल रॉयल पैलेस वॉज बर्न डाउन. दिस इज द ओनली पीस ऑफ द रॉयल पैलेस दैट इज लेफ्ट स्टैंडिंग. कैसी है जगह? बहुत सुंदर. द वुड वर्क दैट इज देयर हैज बीन कवर्ड विद गोल्ड लीफ एंड इट शाइन्स फ्रॉम इनसाइड. बट दिस मोनेस्ट्री डजंट हैव अ बुद्धा श्राइन रूम एंड नीदर अ स्टोर रूम विच इज कॉमन टू ऑल मोनेस्ट्रीज. सो दिस इज समथिंग डिफरेंट अबाउट इट. देन वी वेंट टू सम मोर मैग्निफिसेंट मोनेस्ट्रीज विच वर इंक्लूडेड इन आवर एंशियंट सिटी टूर पैकेज. Let's take you to the Royal Palace now. 1845 में जब यहाँ पे बर्मीज किंग खड़े हुए थे अच्छे से, बहुत अच्छा राज चल रहा था, तो उस टाइम आ गए ब्रिटिश मैंडले पे या पूरे बर्मा पे कब्जा करने. उसके बाद उन्होंने किंग और क्वीन को बोला कि आप सरेंडर कर दो. फिर उनको एग्जाइल के लिए इंडिया भेज दिया गया. ब्रिटिशर्स ने इसको अपना एज बेस यूटिलाइज करना शुरू कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. एक मुसीबत ख़त्म नहीं हुई थी कि दूसरी शायद चालू हो गई. वर्ल्ड वॉर टू में जापान के ट्रूप्स आ गए यहाँ पर और ये पैलेस को दोबारा कब्जा कर लिया गया इस पर एंड इसको एज अ मिलिट्री बेस यूज़ करने लग गए. जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उन्होंने सोचा इस पैलेस का नामो निशान ही नहीं रखते और इस पैलेस को उन्होंने जला दिया. उसके बाद से इस पैलेस के रिस्टोरेशन वर्क पर काम स्टार्ट हुआ. सो इस पूरे टूर के लिए हमने एक टुक टुक हायर करा है जो हमें एंशियंट सिटीज में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस में लेके जा रहे हैं एंड हमको चार्ज करा जा रहा है 25,000 चार्ज. हम सुबह से इतनी मोनेस्ट्रीज जा चुके हैं, हमें हर जगह टूरिस्ट मिला. एक ही लौती मोनेस्ट्री पे आए थे शुए इनबिन और यहाँ पे टूरिस्ट तो है नहीं, टूरिस्ट छोड़ो गार्ड भी नहीं है यहाँ पे और गेट बंद पड़े हैं. हम अंदर जा नहीं सकते. ये बाहर से बहुत सुंदर दिख रही है, मन बहुत कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते. ये वाली मोनेस्ट्री एक चाइनीज मर्चेंट ने बनवाई थी जिसकी मैरिज बगान के किंग की बेटी की नीस से हो गई थी. एंट्री गेट मिल गया. इसी से मोनेस्ट्री थी श्वे नांदो. बट श्वे इनमें बहुत ही मतलब उससे मुझे बेटर लग रही है. मे बी बिकॉज यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम है. इस टाइम 3 बज रहा है एक्चुअली. पूरा दिन साइट सीइंग के बाद अब हम आ गए हैं वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट टीक ब्रिज के पास, द यूबीन ब्रिज. बहुत सुंदर है लेकिन बहुत भीड़ है उधर उसके ऊपर, तो मेरे को जाने का बिल्कुल मन नहीं है. आई थिंक द बेस्ट टाइम टू कम एट यूबीन ब्रिज इज सनराइज वेयर पीपल आर लेस. द वुडन ब्रिज इज आइकॉनिक टू मैंडले बट वॉज स्पॉइल्ड बाई दिस टूरिस्ट बसेस पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ इट. सनसेट देख लिया है, कैसा था बोलो? रियलिटी वर्सेस चाइनीज, चाइनीज लोगों का जमघट. जमघट, जमावड़ा, चाइनीज लोगों का जमावड़ा. जमावड़ा बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमारा सीरियसली ऐसा केस हो गया एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला. बहुत भीड़ थी और बसेस बीच में आगे खड़ी हो गई थी तो पूरा फ्रेम ख़राब कर दिया उन्होंने. और इसकी तो फोटो भी नहीं आई जो ये चाहती थी. ओके सो स्टार्ट एंडिंग इट ऑन अ गुड नोट. कोकोनट आइसक्रीम ले ली है और बहुत अमेजिंग सी है, टेस्ट करके देखी मैंने. ओनली फॉर 1000 चार्ज एंड वी आर एंडिंग अ डे हियर.
So the next day, we ventured out again to complete the last leg of our ancient city tour. We have taken a ferry, and ferry के लिए हमने ticket लिया ticket counter से 5,000 rupees per person का. और I think हम बस पहुँचने ही वाले हैं. और ये भी एक ancient city का part है Mandalay की, लेकिन ये city से बाहर है. So we got up from the ferry, and as soon as we got up, we were bombarded by these men who were ready to take us around the city, take us to all the pagodas in certain amount. We bargained it to 5,000 chart for 2 hours, and they'll take us to all the pagodas that are here, like whatever attractions there are. First, I think we are going to Hissin Byumei Pagoda. The destination whose pictures are enough to sell Myanmar to anyone as a travel destination. But we also got to see the behind the scenes. So, hum Myanmar ki sabse zyada photogenic, touristic destination pe khade hain is time, Hissin Byumei Pagoda. But then there is nothing much, there is no content. एकदम तैयार पर वेटिंग लाइन है बहुत फोटो खींचने की. लाइक पीपल आर क्रिएटिंग कंटेंट बट देयर इज नो कंटेंट बट इट्स ब्यूटीफुल बट या वेरी वेरी ब्यूटीफुल. सो वी आर डन विद Hissin Byumei Pagoda एंड इट वाज टू टूरिस्टी टू मच टूरिस्टी जस्ट टुक अराउंड अराउंड इट एंड डिड नथिंग एल्स. वी आर गोइंग बैक टू आवर फेरी टू कैच आवर बस टू पान एंड फ्रॉम देयर अ न्यू जर्नी विल स्टार्ट. So that was our short time in Mandalay, spent appreciating the beauty of all these ancient sites, spotting heritage, life, knowledge, stories, histories, views, and devotion. And street food, how can you forget that? More than that, our human connections were even more valuable. आपको हिंदी कैसे आती है? क्योंकि मेरी दादी के पति मतलब मेरा दादा इंडिया से है. अच्छा, इंडिया में कहाँ से? पता नहीं, वैसा तो कुछ नहीं पता. और आप इंडियन मूवीज देखते हो बहुत? हाँ, मैं तो इंडियन मूवीज देखती हूँ. नमस्ते, ही कम फ्रॉम इंडिया. इन द लास्ट एपिसोड आई विल सी यू इन हान.